तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक इंटरनेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में मज़ीद आपको कुछ अज़रबैजान के मकामात की सैर करवाएंगे। देखो, 500-600 सीढ़ी थी जिनको हमने बड़ी मुश्किल से अबूर किया। साहिल स्टेशन से वापसी पे आते हुए ये सामने आती हैं और ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ था, आई लव साहिल। और ये कभी कभी प्रैंक हो जाते हैं। और ये इसकी दूसरी तरफ से इधर भी काफ़ी ज़्यादा फासला तय करके हम आए और ये व्यू इधर से हमें मिला। और ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा व्यू आ रहा था, वही साहिल स्टेशन से पैदल चल के हम ऊपर आए थे। ये आ गया हमारे पास फ्लेम टावर, ये इसकी लाइट्स वगैरह जल जाती हैं रात के वक्त। फ्लेम टावर इसका नाम है। और ये देखें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, फ्लेम की तरह आग सी जल रही है। ये इसकी नाम से तनासबत को शो करने के लिए फ्लेम। और उसके बाद ये अब एक आर्मी पर्सन जो के हाथ में झंडे को लिए घुमा रहा है, अजरबैजान का झंडा। तो ये इसके लाइट्स में आते रहते हैं, मीन कभी फ्लेम आ जाती है और कभी ये एक पर्सन जो झंडे को लहराता रहता है ये आ जाता है। तो उसके बाद हम फ्लेम टावर के अंदर गए। ये फ्लेम टावर की लिफ्ट है, बहुत ही स्मूथ, ऑलमोस्ट 27 to 28 फ्लोर थे जी। तो दोस्तों, ये फ्लेम टावर के मिड में हम हैं। ये सामने दोनों बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, तीसरी पे हम हैं। और ये दो स्विमिंग पूल इन तीनों बिल्डिंग के दरमियान में, वो सामने झूला नज़र आ रहा है। सो अब हम फुल लास्ट फ्लोर जो था उस पर आ गए। ये फुल व्यू है पूरे बाकू का, जो फ्लेम टावर से आपको मिल रहा है। ये सामने दोनों फ्लेम टावर की बिल्डिंग्स और ये ऊपर से व्यू। और इसके ऑलमोस्ट टोटल 2700+ रूम्स थे एक बिल्डिंग में। सो अभी आपको बताते हैं ट्रेन सिस्टम के बारे में। बाकू में बहुत ही बेहतरीन ट्रेन सिस्टम था, किसी किस्म का टोकन सिस्टम नहीं था, टोटली कार्ड बेस्ड था। कोई टोकन वाला सीन नहीं था, कार्ड आपने चार्ज करना है और कार्ड से ही आपने बुकिंग करनी है सारा कुछ। और बहुत ही बेहतरीन, टोटली अंडरग्राउंड है और हर जगह ट्रेन जाती है। लोकल फैसिलिटी है, लोकल ट्रांसपोर्ट है हर बंदे के लिए। ये अंदर से माहौल है ट्रेन का, तो बहुत ही बेहतरीन स्पीड थी ट्रेन की और पूरे बाकू को कवर कर रही थी। और हर जगह मेंशन हुआ हुआ कि कहाँ से ट्रेन आ रही है, किस तरफ इसमें जाना है, कहाँ तक जाएगी। ये तो ये आ गई रेजिडेंस प्लेस। इधर गवर्नमेंट का एक बेहतरीन रूल, आवाम से छोटे कच्चे मकान लेते थे और उन पे ये ऑलमोस्ट दस फ्लोर की बिल्डिंग बना दी और उनमें से एक अपार्टमेंट उनको गिफ्ट कर दिया और बाकी रेंट पे चढ़ा दिए। और ये व्यू आ रहा है आपको सामने, फ्लेम टावर और ये बाकी बिल्डिंग वगैरह अजरबैजान की। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन रूल था कि उनको भी एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाता था और गवर्नमेंट भी उससे रेवेन्यू कमा रही है, ज़मीन अवाम की, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की, और अवाम को भी बेहतरीन रिहाइशगाह मिल रही है। सो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था ये। और बाकी ये था आज के लिए, बाकी 3 से 4 मकामात और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।